मन तो पढ़ाई का हमारे भी नहीं हो रहा है। पता नहीं कौन कमबख्त पढ़ाने आएगा। हम गुड मॉर्निंग सर। पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करना नहीं, गुड मॉर्निंग बोलते रहो तुम लोग, अगली बार नहीं बोलेंगे। कौन बोला? सर जी हमने बोला। कल के लेसन याद तक क्या आया? हाँ सर। फिर लिख के ला। लेकिन सर जी। लिख, चुपचाप। जरा सा भी आवाज नहीं करेगा कोई। अरे ये तो सो गया। अरे ये इनका रोज का काम है, बस क्लास में आएंगे, पकाएंगे और सो जाएंगे। रुको हम उठाते हैं। सर। सर जी। सर जी। अरे ये ऐसे नहीं उठेगा, रुको हम उठाते हैं। सर जी प्रिंसिपल आया। प्रिंसिपल कहाँ है? कहाँ है प्रिंसिपल? सर जी पढ़ाओगे नहीं का? पढ़ाने आता होगा तो पढ़ाएंगे ना। कौन बोला? कौन बोला? सर जी हमने बोला। हमको पढ़ाना नहीं आता? नहीं तो का? एक एक से सवाल पूछेंगे आज, एक एक से। एक भी जवाब अगर गलत मिला तो मिट्टी में मिला देंगे तुम सबको। चल तू बता, भारत कब आजाद हुआ था? अरे ये कौन से भारत की बात बोल रहा? अरे पड़ोस वाले भारत अंकिल की बात कर रहे शायद। क्या हुआ बता? सर जिस दिन उसकी पत्नी मरी थी ना, उसी दिन आजाद हुआ था भारत। वाह बेटा वाह, क्या जवाब दिया, वाह। थैंक यू सर। तमीज। चुप। बैठे तो है। अब तू बता। क्या बताएं? ये बता कि मुगल सल्तनत के सम्राटों को सुल्तान क्यों कहा जाता था? अरे सर जी ये सवाल ही गलत है। सुल्तान मुगलों को नहीं, सलमान खान को बोलते हैं। आपने वो गाना नहीं सुना क्या? खून में तेरी मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर बनिया नीचे चड्डी, बीच में तेरा पतलून, रे सुल्तान। बेटा ऊपर अल्लाह, नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून होता है। अरे लेकिन हमारे ऊपर बनियान, नीचे चड्डी और बीच में पतलून ही है भैया। तमीज। ए चल तू बता, सनी डे का मतलब क्या होता है? सर जी बता तो देंगे, लेकिन एक बात पूछनी थी आपसे। कौन सी बात? यही के सनी मतलब कौन सा सनी? सनी लियोनी या फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला सनी देओल? बाबा 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 बा, क्या सवाल पूछा, वाह। तुम लोग सिर्फ पड़ा पड़ा करते रहते हो, जब सवाल पूछा जाता है तब तो कुछ नहीं बोल पाते हो। सर जी बोल पाते है ना? क्या बोल पाते हो? यही कि हमको कुछ नहीं आता। बदतमीज, मजाक चल रहा है। स्कूल में पढ़ाई करने आता है कि बदतमीजी करने आता है? आप पढ़ाने आते हो कि सोने आते हो? कौन बोला? हमने बोला। बेटा कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा तू? ज्यादा नहीं बोल रहा, जो सच है वही बोल रहा है। बदतमीज। कलयुग है भैया, घोर कलयुग, अब तो सच बोलने पे भी मार पड़ती है। कुछ ज्यादा चोट चल रहा है तेरा? चोट नहीं चल रहा, जुबान चल रहा। जुबान काट के बाद फिकवा देंगे तुम्हें। अरे वाह, ये तो और अच्छा हो जाएगा, फिर तो आपके सवालों का जवाब भी नहीं देना पड़ेगा हमको। सर कह रहे 2+2 कितने होते? तुमको 2+2 नहीं पता? नहीं पता तभी तो पूछ रहे, आपको भी नहीं बताएगा? बेटा 2+2 होता है 4। अच्छा वो कैसे? बेटा मान लो तुम्हारे पास 2 एप्पल है, हमने और 2 एप्पल दे दी तुमको, अब बताओ तुम्हारे पास कितने एप्पल हुए? सर जी 2 एप्पल। 2 एप्पल वो कैसे? अरे सर पहले का 2 एप्पल हमने खा लिया ना। काहे खा लिया? अरे भूख लगी थी तो खा लिए, अब क्या करे बताओ। बेटा तुम एक काम करो, अपना किताब और बैग उठाओ और स्कूल से दफा हो जाओ। सर जी दफा 302 या फिर दफा 227। तमीज, 2+2 तक का नहीं पता और मजाक कर रहा हमसे? सर हमको बताए। क्या बताए? 2 और 2 कितने होते हैं वो बताए। हाँ तो चल बता कितने होते हैं। सर जी 2 और 2 22 होते हैं। हे भगवान, पता नहीं तू बड़ा होके क्या करेगा। सर शादी करेंगे। हमारा मतलब बड़ा होके क्या बनेगा? सर पति बनेंगे। बेटा पति बनने के अलावा और कोई काम नहीं है का? सर जी है ना, पति होने के बाद बाप भी तो बनना है। बेटा इतना पिटेंगे ना तुमको, बाप तो क्या बॉयफ्रेंड बनने का काबिल नहीं रहेगा तू? अरे सर बॉयफ्रेंड हम बन गए। अच्छा अभी तो का? और तो बहुत खूबसूरत है भाई गर्लफ्रेंड, आप देखेंगे ना तो चौंक जाएंगे। अच्छा
लेकिन इसको कहीं देखा देखा सा लग रहा हमको। अरे सर जी आपकी बेटी है वो। हाँ बिल्कुल ये मेरी बेटी है। क्या मतलब हमारी बेटी तुम्हारी तो